से शहर महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ। शादी के बाद मैं बैंगलोर आई। बैंगलोर एब्सोल्युटली न्यू था मेरे लिए, लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं आती थी। ऑलमोस्ट 12 साल तक मैं एक हाउसवाइफ थी, लेकिन हमेशा चाहती थी कि जो भी मेरा फ्री टाइम मिलता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं कुछ करना चाहती थी, मेरा नाम बनाना चाहती थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहती थी। तभी मेरी जिंदगी में ओरिफ्लेम आया। मेरा नेचर बहुत ही शाय पर्सन थी, किसी से बात करना, मैं खुद जाके बात करना पसंद नहीं करती थी। अगर कोई मुझसे बात करने आते थे तो ही मैं उनसे बात कर रही। तो मेरा नेचर एब्सोल्युटली अपोजिट था इस बिजनेस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे हमें लोगों को मिलना होता है, लोगों से जुड़ना होता है, लेकिन मुझ में सिर्फ एक पैशन था, मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। यस, मुझे बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे सपने थे। तो मैंने शुरू कर लिया बिजनेस। मैंने पहले तो सोचा था कि बस कुछ पॉकेट मनी अर्न कर लूंगी। पहले महीने में ही 200 बोनस पॉइंट्स के प्रोडक्ट सेल करके मैंने कुछ अर्निंग को अर्न किया। हैप्पी थी मैं तभी भी, क्योंकि फॉर हाउसवाइफ 2-3 हजार रुपए भी बहुत बड़े थे। जैसे जैसे मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने लगी, मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पे इनकम नहीं है, यहाँ पे लोगों को जुड़ने से हम बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे चैलेंज मेरे पास था, क्योंकि मेरे पास कोई जान पहचान के लोग बैंगलोर में नहीं थे, और तभी डिजिटल भी नहीं था। फिर भी मैंने मेरे जान पहचान के लोगों से रिक्रूट करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ता गया, मेरे सक्सेस प्लान में लेवल बढ़ते गए, मैनेजर लेवल तक पहुंची, तो 8 से 10 हजार रुपया इनकम करने लगी। घर में सिर्फ 2 घंटा इस बिजनेस को देके 8 से 10 हजार रुपया बहुत बड़ी बात थी। छोटे सपने पूरे होने लगे, अपने लिए मोबाइल खरीदा, बेटी के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदी। जैसे जैसे लेडीज के सपने पूरे होते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती। एक सपना खत्म होने पे दूसरे सपने दिखने लगते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ, और बड़े सपने में देखने लगी। ओके, वैसे भी ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान में ग्रो करती रही, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल भी अचीव किया। हमें गिफ्ट देना भी बहुत पसंद है, गिफ्ट लेना भी बहुत पसंद है। 15th वेडिंग एनिवर्सरी पे I10 कार हस्बैंड को गिफ्ट की। जब घर में 25-30 हजार रुपए इनकम में लाने लगी, तब जाके मेरे फैमिली से, मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिलने लगा। मेरा सपना बहुत, एक बहुत ही बड़ा सपना था जो मैं 15-20 साल से चेस कर रही थी, वो था मेरे घर लेने का सपना। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह जाती थी, फ्लैट देखती थी, साइट देखती थी, लेकिन फिर नहीं, अब नहीं, और थोड़ी दिन। एक बार ओरिफ्लेम डायरेक्टर सेमिनार गई, वहां पे मैंने, सारे इंडिया से लोग आए थे, वहां पे मैंने देखा मेरी तरह ही लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। यहाँ आके पूरा प्लान किया, एक साल के अंदर मैंने 3 टाइटल को अचीव किया। मेरी इनकम थी सिर्फ 25-30 हजार रुपए, और उस साल के अंत तक मुझे 4.5 लाख रुपए कैश अवार्ड में मिले थे, और मेरा इनकम हो गया था मंथली मोर देन 1 लाख रुपीज जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। उसी पैसे से मैंने मेरा पहला फ्लैट बुक किया, और 2 साल के अंदर मैंने डायमंड डायरेक्टर का टाइटल लिया, जहां पे 3 लाख रुपीज कैश अवार्ड में मिले, और 12 लाख की होंडा सिटी कार एब्सोल्युटली फ्री मिले। वहां पे मैं नहीं रुकी, 2 साल के अंदर मैंने सीनियर डायमंड का टाइटल भी कंप्लीट किया। ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान से मैंने अब तक 12 लाख रुपए कैश अवार्ड में लिए हैं। 5,000 से भी ज्यादा, 10,000 तक लोग मेरे एंटायर कर्नाटका में
देती हूं और कर्नाटका की नंबर वन लीडर, 8 सालों तक मैंने कर्नाटका की नंबर वन लीडर होके थी मैं, और 5 साल तक साउथ इंडिया की नंबर वन लीडर बन के नहीं। यस, क्या था मेरे में? एक जुनून था, एक जुनून था सक्सेस को पाने का, अपने आप को प्रूव करने का। उसी जुनून की वजह से आज मैं यहां तक पहुंची हूं। सिर्फ एक बीकॉम ग्रेजुएट मोर देन 2 लाख रुपीस मंथली अर्निंग को कर रही हूं। मैंने सिर्फ मेरे सपने नहीं पूरे किए, मेरे नेटवर्क में जो भी लोग हैं उन्होंने भी अपने सपने पूरे किए। हमसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारे बच्चे कुछ हासिल करते हैं, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हमने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा। चेंज चेंज, यस, कुछ भी नहीं थी मैं, कुछ भी नहीं आता था, स्टेज पे खड़ी रहने बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हर मुसीबत को, हर चैलेंज को उसे स्वीकारा और उसे मैंने उससे आगे जाके मैंने अपने आप को साबित किया है, और आगे जाने की आशा रखती हूँ। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे डबल डायमंड